हेलो दोस्तों, रश्मिका और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी नई मूवी के ट्रेलर के साथ हाजिर हैं। मिशन मजनू 1970s के टाइम के स्पाई एजेंट की कहानी है, जिसको प्ले कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ इसमें 1970s के टाइम के टेलर बने हैं, जिसकी बकायदा इन्होंने 3 मंथ की ट्रेनिंग ली है, क्योंकि उस टाइम यूज़ होने वाली सुइयाँ या मशीन आज के टाइम से काफ़ी अलग होती हैं। वहीं रश्मिका उनकी कवर गर्ल बनी है, यानी कि नकली वाइफ, जो कि अंधी बनी है। रश्मिका ने भी इस कैरेक्टर के लिए 2 वीक की ट्रेनिंग ली है मुंबई में। मिशन मजनू में हमें यह दिखाया जाएगा कि विदाउट परमिशन पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा, इसको रोकने और पता करने के लिए एक स्पाई एजेंट को इंडिया की तरफ से पाकिस्तान भेजा जाता है, पर उसकी देशभक्ति इस हद तक हो जाती है कि वो अपने देश के लिए मर मिटने तक को तैयार हो जाता है। कुछ हद तक जो इस मूवी की स्टोरी है वो आपको राजी मूवी की याद दिला देगी, यहाँ तक कि राजी की कास्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। पर जहाँ तक एक्शन की बात करें वो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा इमोशनल और रोमांटिक एंगल भी मूवी में देखने को मिलेगा। इसमें आपको इंदिरा गांधी भी दिखाई जाएंगी। ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड स्टोरी है। रश्मिका का बहुत कोई मेजर रोल नहीं लग रहा है, पर हाँ वो एज अ सरप्राइज पैकेज आपको मूवी में ज़रूर दिखाई दे सकती हैं। दोनों की केमिस्ट्री ठीक ही लग रही है, बहुत कोई टॉप लेवल नहीं लग रही है। ट्रेलर के लास्ट सीन को देखकर सिद्धार्थ की एक्टिंग इतनी कोई पैट्रियोटिक नहीं लग रही है, क्योंकि उनका फेस काफ़ी डल है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर शांतनु बागजी, द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म विल टेल यू हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट चेंज्ड आफ्टर दिस इंसिडेंट। इस मूवी की शूटिंग ज़्यादातर लखनऊ में हुई है। ओवरऑल आई एम नॉट मच एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म, पर हाँ स्टोरी जानने की इच्छा जरूर रखती हूँ। ये मूवी आपको 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी, और ये पहला टाइप होने वाला है रश्मिका मंदाना का नेटफ्लिक्स इंडिया से। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।